हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एमटेक मोना वर्ल्ड में। दोस्तों, आप लोग कैसे हो और बताइए कैसा चल रहा है आज का दिन, कैसा गया आप लोगों का? मेरा तो ठीक हूँ। और आज मैं बनाने वाली हूँ मोबाइल के एक टेक न्यूज के ऊपर। सो जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हो, वो लोग मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना और उसके साइड में जो बेल आइकन है उसको क्लिक करना मत भूलना और मेरे साथ पूरा जुड़े रहना और वीडियो को कंप्लीट देखना, ठीक है? वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो का टॉपिक है जियो गीगा फाइबर फर्स्ट एयरटेल ब्रॉडबैंड, कौन सा इंटरनेट सर्विस होगा सबसे अच्छा? तो आइए जानते हैं क्या कहने वाली हूँ, तो वीडियो को कम्प्लीट देखना मत भूलना। रिलायंस जियो के टेलीकॉम सेक्टर में आने के बाद काफी कुछ बदल गया है। बाकी टेलीकॉम कंपनियां जियो को टक्कर देने के लिए काफी मेहनत कर रही है। जियो के सस्ते प्लान्स को चुनौती देने के लिए दूसरे ऑपरेशन को भी अपने प्लान में बदलाव करना पड़ रहा है। बता दें कि अब जियो प्लान जियो गीगा फाइबर के जरिए ब्रॉडबैंड सेक्टर में एंट्री करने के लिए तैयार है। जियो गीगा फाइबर के टेस्टिंग चल रही है। जियो इसे प्रीव्यू सर्विस के तौर पर उपलब्ध कर रहे हैं। जियो ने बताया है कि इस सेवा के पूरी तरह शुरू होने पर यूजर्स को 1 Gbps की इंटरनेट स्पीड हो जाएगी। और हालांकि जियो की टक्कर देने के लिए भारतीय एयरटेल कंपनी भी अपनी तैयारी में जुट गई है। बता दे कंपनी अपनी ब्रॉडबैंड की काफी बदलाव कर रही है। कीमत की बात करें तो रिलायंस कंपनी को जियो गीगा फाइबर एयरटेल से सस्ता है। अपने यूजर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट प्लान ऑफर कर रही है। बता दें कि जियो गीगा फाइबर के रोटर की कीमत 4,500 रुपए की है। वही एयरटेल अपने यूजर्स को 499 रुपए से लेकर 2,100 रुपए तक के प्लान भी दे रहे हैं। तो दोनों का टक्कर बहुत ही तगड़ा है। तो आइए, तो जो लोग अभी जियो को यूज करें या तो एयरटेल को यूज करें, उन लोगों को पता होगा कि नेट सेवा कैसे चल रहा है और क्या क्या ऑफर मिल रहा है। जस्ट GST जोड़ने के बाद इनकी कीमत थोड़ी और बढ़ जाती है। GST लगने से तो कीमत तो बढ़ेगी ही ना। डाटा की बात करें तो एयरटेल के पास कुछ प्लान्स को छोड़कर बाकी सभी FUP लिमिट, मतलब 1 GB से 1200 GB तक वाले प्लान है। दिल्ली में एयरटेल 1200 GB तक FUP लिमिट वाले प्लान ऑफर कर रहा है। वही जियो द्वारा यूजर्स को फव लिमिट वाले एक प्लान ऑफर किया जाता रहा है। कंपनी के प्रीव्यू ऑफर में यूजर्स को 100 GB फव कैंपी के साथ 100 Mbps की स्पीड भी दी जा रही है। बता दें कि यूजर्स 100 GB की इस कैपिंग को फ्री ऑफ कॉस्ट से रिचार्ज कर सकते हैं। इस रिचार्ज में यूजर्स को डेली यूज के लिए 40 GB डाटा दिया जाता है। स्पीड के मामले में रिलायंस जियो हाई स्पीड इंटरनेट मामले में रिलायंस जियो हाई स्पीड जियो के मामले में FTTH कनेक्टिविटी पर काम कर रहा है। जियो फिलहाल 5 GHz वाईफाई नेटवर्क और इंटरनेट पर 100 Mbps की स्पीड देने के डाटा कर रहे हैं। जियो अभी स्पीड को प्रीव्यू ऑफर में उपलब्ध कर रहा है। एयरटेल अपने सबसे प्रीमियम ब्रॉडबैंड प्लान 300 Mbps की स्पीड पेश करता है। कंपनी का सबसे कम स्पीड वाला प्लान 8 Mbps की स्पीड देता है। हालांकि एयरटेल के ये प्लान सभी सर्कल में उपलब्ध नहीं कराए गए हैं, जिसके चलते कंपनी कुछ कुछ जगहों पर अभी भी 20 Mbps की स्पीड भी दे रही है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि एयरटेल भी कितना अच्छा अच्छा सुविधाएं दे रही है और जियो भी बहुत ही उसको टक्कर देने के लिए सुविधा दे रही है। तो
देखा जाएगा नेक्स्ट में कि कैसा आता है, वो लोग जितना बोला है उतना मिलेगा कि नहीं। तो दोस्तों इसके लिए आप लोग मेरा वीडियो हमेशा देखते रहिए और मेरे चैनल से जुड़े रहिए। और यहाँ पे मेरा एक फोटो आएगा, मेरे फोटो पे आप लोग क्लिक करना मत भूलना, ठीक है। और सभी को अगेन हैव अ ग्रेट डे एंड गुड नाइट।